प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए, आज हम आपके लिए कक्षा 8 का अध्याय नंबर 3, चतुर्भुजों को समझना, अर्थात आज हम चतुर्भुजों की जानकारी प्राप्त करेंगे। चतुर्भुज क्या होता है, क्या इसके गुण होते हैं, उनसे सारी जानकारियाँ इनके अभ्यास में अपने आप ही आती रहेंगी। तो देखिए, अभ्यास 3.1 का पहला प्रश्न है, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। ये आकृति फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, यहाँ 8 आकृतियाँ आपको दी गई है। इन 8 आकृतियों को आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो इसमें से आपको सबसे पहले बताना है साधारण वक्र। साधारण वक्र कौन कौन सी इसमें आकृतियाँ 8 आकृतियों में से आपको दिख रही हैं, साधारण भी है और वक्र भी है, तो उसका नंबर है बराबर साधारण वक्र 1, 2, सेकंड 1, 2, 5, 6 नंबर की और 7, 1, 2, 5, 6, 7, ये क्या है, साधारण वक्र हैं। इसके बाद में पूछ रहा है साधारण बंद वक्र कौन कौन से हैं, इसमें साधारण भी हैं और बंद भी हैं, तो 1, 2 नंबर की आकृति ये साधारण वक्र है, 5, 6 और 7 नंबर ये साधारण वक्र हैं, साधारण बंद वक्र कहलाते हैं। बहुभुज, बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या ज़्यादा हैं, तो वो कौन कौन सी है, 1 और 2, बहुभुज है 1 और 2, फर्स्ट और सेकेंड। फिर है उत्तल बहुभुज, इन आकृतियों में से आपको उत्तल बहुभुज छांटना है, तो उत्तल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसके विकर्ण चतुर्भुज के, पंचभुज के, षटभुज के, कोई सा भुज हो उसके अंदर यानी अभ्यंतर में स्थित होते हैं, विकर्ण उसके अभ्यंतर में स्थित होते हैं, वो होता है उत्तल चतुर्भुज। तो ऐसा बहुभुज देखिए जिसके दोनों विकर्ण, तीनों विकर्ण, जितने विकर्ण हैं वो अभ्यंतर में ही हैं, इसमें नहीं है, केवल ये है, ये बहुभुज है उत्तल बहुभुज जिसके विकर्ण अभ्यंतर में स्थित है, तो वो हो जाएगा सेकेंड नंबर। फिर है अवतल बहुभुज, अवतल जिसके विकर्ण बहिर्भाग में स्थित होते हैं, अवतल बहुभुज कहलाता है, तो अवतल बहुभुज ये पहला जो चित्र दिया हुआ है इसका विकर्ण बहिर्भाग में स्थित होगा एक, तो इसलिए अवतल बहुभुज होगा 1 नंबर का चित्र और 4th नंबर का, कौन सा 4th नंबर, 4th नंबर का ये बहुभुज अवतल बहुभुज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। तो आपको इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना है और चित्रों को देख करके साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज छांट करके इसमें से आपको लिखना है। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, देखिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं, अर्थात कोई भी आकृति का आपको नाम दिया जाएगा उसमें विकर्णों की संख्या आपसे पूछी गई है। एक उत्तल चतुर्भुज, आपको बताना है कि उत्तल चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो यहाँ देखिए आप, ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज कैसा भी बना दो आप, ये चतुर्भुज है,
क्या है? चतुर्भुज। अब इसमें आपको विकर्णों की संख्या बतानी है, कितने विकर्ण खींचते हैं। विकर्ण होते हैं सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। ये शीर्ष इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो यहाँ विकर्णों की संख्या कितनी प्राप्त हुई आपको? विकर्ण हो गए दो, विकर्ण बराबर दो, विकर्ण बराबर दो। कितने विकर्ण होते हैं एक उत्तल चतुर्भुज में? कितने विकर्ण होते हैं? दो। अब एक सम षडभुज, एक सम षडभुज यानी षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं? सम षटभुज, तो सम षटभुज देखिए कैसा होता है सम षटभुज। ये सम षटभुज है, ये सम षटभुज है, इसमें आपको विकर्णों की संख्या बतानी है, कितने विकर्ण होते हैं। अब आप ध्यान देखिए, सम्मुख शीर्षों को मिलाइए, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और नौ, तो विकर्ण संख्या कितनी होगी? विकर्णों की संख्या सम षटभुज में, विकर्णों की संख्या बराबर नौ। सम षटभुज में, सम षटभुज में विकर्णों की संख्या आपको कितनी प्राप्त होगी? नौ। यहाँ नौ विकर्ण हैं। इसी प्रकार एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में आपको बताने कितने विकर्ण होते हैं। तो त्रिभुज की आकृति देखिए आप, त्रिभुज आप चाहें कैसा भी बना सकते हैं, ये त्रिभुज है। अब इसमें सम्मुख शीर्ष है ही नहीं, किसको शीर्ष से मिलाएं? सम्मुख शीर्ष नहीं है, ये भी सम्मुख नहीं है, तो मिल नहीं रहे, तो यहाँ विकर्णों की संख्या जीरो, विकर्णों की संख्या की संख्या बराबर जीरो, अर्थात त्रिभुज में विकर्णों की संख्या जीरो होती है। कितनी होती है? जीरो। आयत में दो, चतुर्भुज में भी दो, वर्ग में भी दो, और सम षटभुज में विकर्णों की संख्या नौ। तो आप इनको आसानी पूर्वक ध्यान पूर्वक कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीन। देखिए प्रश्न नंबर तीन, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, तो ये फिक्स है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो देखिए हल करते हैं हम और समझने का प्रयास कीजिए, एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों का मापों का योगफल। तो देखिए उत्तल चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित होते हैं वह उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण चतुर्भुज के अभ्यंतर में यानी अंदर स्थित होते हैं विकर्ण, तो वह एक उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। ये एक उत्तल चतुर्भुज है, हम इसमें एक विकर्ण खींचते हैं, इसका नाम लिखते हैं ए बी सी और डी। हम कोई सा भी एक विकर्ण खींच देते हैं, चलो हमने विकर्ण खींच दिया, ये विकर्ण खींच दिया ए सी। अब हमारे लिए दो त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो, ये त्रिभुज पहला है और ये दूसरा है। अब हम ये भी बात जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या जानते हैं? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी के
तीनों कोणों का, योग फल बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार त्रिभुज दूसरा, देखो ए बी सी हो गया, दूसरा क्या है ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी के तीनों कोणों का योग योगफल बराबर 180 डिग्री। तो जब त्रिभुज दो बने हैं और दोनों त्रिभुजों के, पहला त्रिभुज का भी तीनों कोणों का योगफल 180 और दूसरा का भी, अगर हम इनको जोड़ देते हैं 180 प्लस 180 तो चतुर्भुज के चारों कोण बन जाते हैं। अतः चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है। ये तो हो जाती है आपकी उत्तल चतुर्भुज की कल्पना। अब यदि एक चतुर्भुज बनाए जो उत्तल न हो, अब हम आपके सामने एक चतुर्भुज ऐसा बनाते हैं, अवतल चतुर्भुज। कैसा? अवतल। यह अवतल चतुर्भुज है, ऐसा बना सकते हो आप। दूसरा बनाइए, देखिए चार भुजाएं होनी चाहिए, ये बने थे, ये अवतल चतुर्भुज है, क्योंकि इसका एक विकर्ण चतुर्भुज के बहिर्भाग में है। बहिर्भाग खाएं, ये बहिर्भाग में एक विकर्ण, शीर्षों को मिलाएंगे तो एक विकर्ण बाहर स्थित होगा चतुर्भुज के, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये अवतल चतुर्भुज हो जाता है। चलो ठीक है, ये अवतल चतुर्भुज है। अब इसका हम एक विकर्ण खींचते हैं अभ्यंतर वाला। मान लीजिए हमने ये विकर्ण अभ्यंतर वाला खींच दिया, इसका नाम भी ए बी सी और डी रख दिया हमने। अब इसके भी देखो विकर्ण, त्रिभुज का ए बी और डी, ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी के कोणों का योग तीन सौ साठ डिग्री। दूसरा त्रिभुज कौन सा है? बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी के कोणों का योग 180 है, त्रिभुज ए बी डी के कोणों का योग 180 डिग्री और बी सी डी के कोणों का योग 180 डिग्री। ए बी डी ये भी त्रिभुज है पहला, इसके तीनों कोणों का योग कितना है 180 डिग्री। इसी प्रकार दूसरा कोण त्रिभुज है बी सी डी, तो इसके तीनों कोणों का योग कितना कितना है 180। चारों कोण चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। चाहे चतुर्भुज उत्तल हो चाहे अवतल हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। अब ये कह रहा है क्या यह गुण लागू होगा, चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा, चाहे चतुर्भुज उत्तल हो चाहे चतुर्भुज अवतल हो यह गुण लागू होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चतुर्भुज कैसा भी हो। अतः चतुर्भुज कैसा भी हो, कैसा भी हो, उसके चारों कोणों का योग
360 डिग्री ही होगा। ये डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर हो जाता है 3। इसके बाद में देखिए आप प्रश्न नंबर 4। तो देखिए अब हम आपके लिए एक सूत्र बताते हैं, सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल। सम बहुभुज के प्रश्न 4 है, ये प्रश्न 4 सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल, अंतःकोणों का योग फल बराबर होता है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। क्या होता है? सम बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल का सूत्र होता है n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। अब सम बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या ज़्यादा हो, आप कोई सा भी बहुभुज का नाम बताइए, मान लीजिए पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, नवभुज। तो देखिए सम षटभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। समषटभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए n बराबर होती है भुजाओं की संख्या। n बराबर क्या होती है? भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या आपको यहाँ दी हुई है, कितना षटभुज है? समषटभुज। तो यहाँ भुजाओं की संख्या 6 है। समषटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। और सभी अंतःकोणों का योगफल, n बराबर भुजाओं की संख्या 6 और योगफल कोणों का योगफल बराबर n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। तो n यहाँ कितने हैं? 6 माइनस 2 कोष्टक बंद गुणा 180 डिग्री। 6 में से 2 घटाइए आप, कितने बचते हैं? 4 गुणा 180 डिग्री बराबर 18 × 72 720 डिग्री। तो समषटभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल बराबर 720 डिग्री प्राप्त होगा आपको। तो इस प्रकार से हम किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही, अगले वीडियो में हम आपके अगले सवाल समझाएंगे। धन्यवाद।